नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, बारिश का मौसम स्टार्ट हो चुका है और बारिश के बाद हमारे छतों पे काफ़ी ज़्यादा काला लग जाता है, यानी काई लग जाता है, तो इसको निकालना काफ़ी कठिन हो जाता है। और ये आइडिया मुझे तब आया जब मैं एक साइट पे विजिट किया था और वहाँ पे एक मज़दूर को मैंने छत पे सफाई करते हुए देखा था कड़ी धूप में। तब मुझे ये आइडिया आया और मैंने इस केमिकल के बारे में जाना और समझा। बाकी ये केमिकल मैं पहले से, मतलब हमारी मैन्युफैक्चरिंग है और हमने पहले से इसको इस्तेमाल कर रखा है और आप यहाँ पे रिजल्ट भी देख सकते हैं। काफ़ी आसान तरीके से इसको क्लीनिंग किया गया है, तो पूरा कुछ सब कुछ चीज़ें बताऊंगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वैसे दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि छत के जो काले दाग होते हैं वो जल्दी छूटते नहीं हैं, तो ये हमारे ब्लू स्काई का हार्ड वाटर स्टेन रिमूवल है। आप 4-5 लीटर की क्वांटिटी में इसको मंगा के इसका रेट वगैरह का इंक्वायरी कर सकते हैं। बाकी हमारे साथ सामान मौजूद है, ये आप देख सकते हैं, स्क्रबर वगैरह, झाड़ू और ये पानी, साफ पानी। बाकी ये हमारा लिक्विड है और आप छत की कंडीशन भी यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये छत की कंडीशन उतनी ज़्यादा बुरी नहीं है। बाकी हम एक और साइट पे विजिट करने वाले हैं अपने फ्रेंड के छत पे, तो वहाँ पे भी आप देख पाएंगे और वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही गंदगी है। तो चलिए दोस्तों, अब इसको सफाई करके दिखाते हैं और बढ़िया रिजल्ट है दोस्तों, आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो चलिए अभी इसको देखते हैं। और दोस्तों, ये हमने इसमें छेद कर दिया है और हमारा ये प्रोडक्ट आपको नज़र आ रहा होगा। और इसको छत पे मैन्युअली ऐसे डालते हैं जैसे स्प्रे करके, उस तरीके से डालना है। तो हमने फटाफट एक पार्टिकुलर एरिया में इसको डाल दिया है। बाकी क्लीनिंग का रिजल्ट आपने शुरुआत में देखा ही है, तो चलिए अभी फ्रेंड के साइड पे, मतलब फ्रेंड के घर पे चलते हैं और वहाँ पे क्लीनिंग रिजल्ट दिखाते हैं आपको। क्योंकि दोस्तों, हमारे दोस्त का घर जो था उस पर, मतलब वहाँ के छत पर ज़्यादा गंदगी थी, तो इस वजह से हमने उनके छत पर आके इसका ट्रायल लिया और काफ़ी बेहतर रिजल्ट रहा। एक पार्टिकुलर एरिया में हमने इसको अप्लाई करके चेक किया है। बाकी दोस्तों, इसमें आपको मिक्सिंग वगैरह कर लेना है, ठीक है, अच्छे से झाड़ू से इसको ही, मतलब मिक्सिंग कर देना है। और यहाँ पे छत की कंडीशन देख सकते हैं कितना ज़्यादा काला हो चुका है, काई, ठीक है। तो अभी चलता हूँ दोस्तों, इसमें मिक्सिंग करते हैं और आप भी इसको पूरा मिक्सिंग कर लीजिएगा, झाड़ू से पूरे छत पे फैला दीजिएगा और 5 से 10 मिनट में इसको, मतलब 5-10 मिनट इसको छोड़ देना है। उसके बाद आप मैनुअल स्क्रब भी कर सकते हैं और ब्रश का इस्तेमाल आपको, मतलब कर सकते हैं जैसा भी आपको उचित लगे। अगर साफ नहीं हुआ है तो आप ब्रश का भी इस्तेमाल हल्का कर सकते हैं। वैसे अगर दोस्तों बिना लिक्विड के आप दिन भर इसको रगड़ते रह जाएंगे, सफाई करते रह जाएंगे, बिल्कुल भी साफ नहीं होगा। अगर दोस्तों आप इसको खुद करना चाहते हैं तो खुद भी कर सकते हैं, बाकी आप किसी और से भी करवाना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बाकी ये लिक्विड का खर्चा जो भी आएगा आप मुझे व्हाट्सएप पे इंक्वायरी कर सकते हैं। बाकी और वीडियोज़ में इसके रेट्स वगैरह की भी, मतलब मैंने डाल रखी है, तो रेट्स आगे पीछे होते रहते हैं, इसका कोई भी मतलब मेन फिक्स रेट नहीं होता है, तो आप व्हाट्सएप पे इसका इंक्वायरी कर सकते हैं, ठीक है। अब चूंकि दोस्तों हम लोग आदमी लोग हैं तो हम लोग इतना ज़्यादा ध्यान देते नहीं हैं ना, लेकिन यहाँ पे दोस्तों कोई भी फिसल सकता है। तो आफ्टर रिजल्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्लीनिंग के बाद आप देख सकते हैं दोनों में डिफरेंस आपको नज़र आ रहा होगा। और ये हमने इसको क्लीनिंग किया हुआ है और हमने ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाया, इसको जल्दी से क्लीन करके आपको वीडियो बना के दिखा रहे हैं। आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं दोस्तों, आप पूरे छत में और यहाँ बीच में डिफरेंस देख सकते हैं। इसका वो हार्ड वाटर स्टेन रिमूवल को, तो आप इसको बाय करने के लिए नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और हमारे कस्टमर हैं, चलिए उनसे बात करते हैं। तो यहाँ पे झाड़ू लगाने जा रहे थे, लेकिन चलिए एक बार बात कर लेते हैं। आप लोगों का जो केमिकल है बहुत ही अच्छा है। हाँ, मैं इतनी उम्मीद नहीं कर सकता था कि मतलब इतना, मतलब क्लियर कर देगा ये। बाकी आपने इसको लिया तो क्या क्या चीज में यूज किया, आप बता सकते हैं? अभी फिलहाल ही तो मतलब मैंने फर्श पे यूज किया है। हाँ। और नीचे काई भी लगी हुई थी, तो उसको नल होल पे भी, अच्छा, तो उस पे भी डाला है, काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। चलिए सही है, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद भैया। हमको तो नहीं लग रहा था कि साफ होगा, लेकिन आप लोगों का मतलब जो भी आइटम है बहुत ही शुद्ध है, 100% सही है। सही है भैया, तो देख सकते हैं आप लोग, ठीक है।